Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Ruby College, University of Allahabad. And today I am going to discuss a topic under the theme of Qualitative Research Methodology, that is FGD, Focus Group Discussion as a Qualitative Research Method. Okay. पिछले दिनों हम लोग बात कर रहे थे क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड की और हम लोगों ने बहुत सारे मेथड्स पढ़ लिए थे, उसमें अप्रोचेस पढ़ ली थी. एक एफजीडी रह गया था. हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, एथनोग्राफी, एथनोमेथडोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी, बहुत सारा कुछ. और इसमें ये एफजीडी का क्रम अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो मेजर अप्रोचेस कवर हो जाएंगी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स के अंतर्गत. एंड द लेक्चर विल बी इन बाइलिंगुअल मोड एज यूजुअल एंड विल बी यूजफुल फॉर वेरियस टीचिंग एग्जामिनेशंस, योर नॉर्मल बीए, एमए, बीएड, एमएड कोर्स, नॉट इन बीए, एमएड एंड एमए कोर्स, एंड फॉर योर रिसर्च वर्क एज वेल. ओके, सो डू सब्सक्राइब एज वेल माय चैनल. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल एफजीडी का क्या मतलब है, कैसे यूज होता है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में. फोकस ग्रुप डिस्कशन कह रहे हैं कि इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज अ क्वालिटेटिव अप्रोच, मतलब अक्सर यूज किए जाने वाला ये अप्रोच है गुणात्मक अनुसंधान में. टू गेन एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इश्यूज है क्या, ग्रुप डिस्कशन है, फोकस ग्रुप डिस्कशन है, मतलब हमको जीडी करना है लेकिन हमको फोकस रहना है मुद्दे पर, भटकना नहीं है मुद्दे से. ये तो इसका शाब्दिक अर्थ ही निकल कर आ रहा है. टू गेन एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इश्यूज, और हम लोग इतने दिनों में ये भी जान रहे हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्चेस जो है वो सोशल इश्यूज पर काम करती है. इन डेप्थ हमको एक्सप्लोरेशन चाहिए होता है, एक्सप्लोर करना होता है हमको मुद्दों को, इश्यूज को, क्योंकि वो सब क्वांटिटेटिव रिसर्च से नहीं हो सकता, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से नहीं हो सकता, कंट्रोल करके नहीं हो सकता, नेचुरल सेटिंग्स में ही हो सकता है. तो द मेथड एम्स टू ऑब्टेन डेटा फ्रॉम ए पर्पसली सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. हम लोग ये भी जान गए कि रैंडम सैंपलिंग नहीं होती है क्वालिटेटिव रिसर्च में. क्यों? क्योंकि हम रैंडमली नहीं सिलेक्ट कर सकते पार्टिसिपेंट्स को, पर्पसफुली सिलेक्ट करते हैं जिनसे हमको लगता है कि डेटा मिल सकता है या जिनके संग वो घटना घटित हुई हो, जिस घटना का हम अध्ययन करने जा रहे हैं. तो rather than form a statistically representative sample of a broader population, ये भी बात है, focus group discussion is perceived to be cost effective and promising alternative in participatory research. Morgan 1996 में कह रहे हैं ये cost effective है. क्यों? क्योंकि generally आप मतलब ऐसे interview करेंगे तो one to one हम बात करते हैं, time ज़्यादा लगता है, उसमें सारा setup आपको set करना पड़ता है, इसमें एक साथ आप छह से आठ इसका आदर्श ग्रुप का संख्या होती है कि कितने उसमें सदस्य रह सकते हैं. तो कॉस्ट इफेक्टिव और प्रॉमिसिंग अल्टरनेटिव है पार्टिसिपेटरी रिसर्च में, ऑफरिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर डिफरिंग पैराडाइम्स और वर्ल्ड व्यूज, मतलब कि अलग अलग व्यू पॉइंट के लोगों को भी आप साथ में बिठाकर बातचीत कर सकते हैं. ये लिंकर और कूबा कह रहे हैं 1994 में. और क्या है एफजीडी? फोकस ग्रुप इज अ टाइप ऑफ इन डेप्थ इंटरव्यू. ये तो समझ में आ गया कि इंटरव्यू है लेकिन वन टू वन नहीं है, ग्रुप में इन डेप्थ है, अकॉम्प्लिश्ड इन अ ग्रुप, जिसको कि हम एक ग्रुप सेटिंग में कंप्लीट करते हैं, हुज मीटिंग्स प्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द प्रपोजल साइज कॉम्पोजिशन एंड इंटरव्यू प्रोसीजर्स, है ना. जो सदस्य होते हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं. The focus or object of analysis is the interaction inside the group. अच्छा देखिए, सबसे खास बात ये बाद में भी कहीं निकल कर आएगा कि इंटरव्यू से कैसे आप कह सकते हैं भाई हमको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना कि हम क्यों एफजीडी कर रहे हैं अपनी रिसर्च में, हम क्यों इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो इंटरेक्शन इनसाइड द ग्रुप निकल कर आता है वो आप इंटरव्यू में नहीं पा सकते. और यही इंटरेक्शन हमारा फोकस है, यही इंटरेक्शन हमारा उद्देश्य है. हम ये नहीं चाहते हैं कि जिन लोगों को हमने साथ में लेकर बैठाया है, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, जिनकी बातें हम सुन रहे हैं, उनको हम कंसेंसस पर ले आएं, एक मत कर दें, ये मकसद नहीं है. बल्कि वो एक मुद्दे पर, जिस भी मुद्दे को हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस भी इश्यू को हम पढ़ना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, उस पर इंटरेक्शन कैसे करते हैं ग्रुप के सदस्य, ये देखना है. The participants influence each other through their answers to the ideas and contributions during the discussion. जो participant होता है हमारा, जो हमारा sample होता है, वो एक दूसरे को कैसे influence कर रहा है. The general characteristics of the focus group are people's involvement. People कैसे involve है उस group में, ये उसकी खासियत है. A series of meetings, बहुत सारी meetings करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं होगा कि एक बार आप जाएंगे और एक आपने FGD की और आपका खत्म हो गया, मतलब आपको data मिल गया, saturation point आ गया. नहीं, ऐसा नहीं होता है. बहुत सारी meetings आपको करनी पड़ती हैं. The homogeneity of participants with respect to research students, मतलब ऐसा ना हो, मतलब मुद्दे तो शेयरेबल होने चाहिए ना, वो जो खास गुण होना चाहिए तभी तो वो लोग आपस में बात करेंगे, वरना फिर आप
किसी भी तरीके का डेटा आपको समझ में नहीं आएगा क्या निकल के आ रहा है. द जनरेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा एंड डिस्कशन फोकस ऑन ए टॉपिक विच इज डिटरमाइंड बाय द पर्पस ऑफ द रिसर्च. इतना तो ठीक है. द कोर्स ऑफ द डिस्कशन इज यूजुअली प्लान्ड इन एडवांस. आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कि कौन से लोग होंगे जो हमारे पार्टिसिपेंट होंगे, लगभग हम कितने हमको एफजीटी करने पड़ेंगे, कहाँ करेंगे, सारी चीजें. कहने को है कि हम मतलब प्री प्लान्ड कुछ नहीं होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, लेकिन कुछ तो आप खाका लेकर चलेंगे ना. आप ऐसे वेक्यूम में नहीं रिसर्च शुरू कर सकते. एंड मोस्ट मॉडरेटर्स रिलाई ऑन एन आउटलाइन और मॉडरेटर्स गाइड टू इंश्योर दैट ऑल टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट आर कवर्ड. करना क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी मुद्दे पर, जैसे मैंने अपनी रिसर्च में भी एफजीडी यूज किया था, तो मैं एडोलेसेंट गर्ल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स वहां डिस्कस कर रही थी, जानना चाह रही थी. तो हमको कैरेक्टरिस्टिक्स तो पहले नोट करने पड़ेंगे ना कि हम इन इन मुद्दों पर बात करेंगे, फिर उन मुद्दों पर कौन से प्रश्न. कई बार ऐसा होता है कि बस आपने एक प्रश्न पूछा और उसका आपको ऐसा सपाट उत्तर मिला कि आपको समझ में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछें. तो प्रोबिंग क्वेश्चन हमारे पास तैयार होने चाहिए, बहुत सारी प्रिपरेशन करके तब हम फील्ड में जाते हैं, नहीं तो फिर आपका बिल्कुल फेल हो जाएगा, कुछ भी आपको निकल कर नहीं आएगा एक अगर आप 1-to-1 सवाल पूछ रहे हैं तो. ओके तो एक मॉडरेटर गाइड जिसको बोलते हैं कि गाइड हमारे पास है कि ठीक है इस सवाल फेल हो गया तब अब कौन सा पूछना है, ये इसके बाद क्या पूछना है. अगर मन में लेकर चलना पड़ता है कि ये तरीके के आंसर मिल सकते हैं, अगर ये आंसर मिलेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ये आंसर मिलेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा. ओके तो इतनी प्लानिंग रिक्वायर्ड है. अगर इसकी हिस्ट्री पर जाए तो फोकस ग्रुप मेथोडोलॉजी कैन बी ट्रेस बैक टू इमोरी बोगार्डस हु इन 1926 डिस्क्राइब ग्रुप इंटरव्यूज इन सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्च टू डेवलप सोशल डिस्टेंस की. मतलब बहुत पुराना नहीं है, 1926 में पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है. फिर इन 1991 मार्केटिंग एंड साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट अर्नेस्ट डिकर कॉइंड द नेम फोकस ग्रुप. मतलब इसके पहले ग्रुप इंटरव्यू के नाम से जाना जा रहा था, पर 1991 में ये फोकस ग्रुप के नाम से जाना जाया गया. The term described meetings held with a limited group of participants with the objective of discussion. क्यों ये term दिया गया कि हमको meeting held करनी है छोटे सदस्यों में, मतलब 15-20 लोगों का आप एफजीटी नहीं कर सकते, because फिर आपको उसमें कुछ group interaction, कौन बोल रहा है, कौन ज्यादा बोल रहा है, कौन हावी हो जा रहा है, कौन कुछ नहीं बोल रहा है, ये नहीं समझ में आएगा. With the objective of the discussion, a focused group discussion is a good way to gather together people from similar backgrounds or experiences to discuss a specific topic of interest. मतलब अच्छा ये एक तरीका है जिसमें आपकी similar group of interest के लोगों से एक साथ बात कर सकते हैं. The group of participants is guided by a moderator or group facilitator. मतलब आपका रोल रिसर्चर का क्या होगा, मॉडरेटर का होगा, ग्रुप फैसिलिटेटर करना होगा कि मुद्दे से भटक ना जाए, आपस में कोई हावी ना हो जाए, मतलब वाद विवाद ना हो जाए, कुछ झगड़ा ना हो जाए बातचीत करते करते अगर लोग एक दूसरे से सहमत नहीं है तो. हु इंट्रोड्यूसेस टॉपिक्स फॉर डिस्कशन एंड हेल्प्स द ग्रुप पार्टिसिपेट इन ए लाइवली एंड नेचुरल डिस्कशन अमंगस्ट देमसेल्व्स. यानी कि ग्रुप फैसिलिटेटर का रोल होता है कि वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगा कि आज इस मुद्दे पर बात करनी है, और फिर हेल्प करेगा जो भी पार्टिसिपेंट्स है कि वो हेल्दी डिस्कशन करें. लेकिन नेचुरल डिस्कशन करें, पर ये सेटिंग नेचुरल नहीं होती है. ये बात आपको ध्यान देनी होगी कि एफजीडी की सेटिंग नेचुरल सेटिंग नहीं है, कहीं कहीं से लोग आकर एक ग्रुप का सदस्य बने हैं, तो यहाँ पे ये इंटरव्यू से लैग कर सकता है आप कह सकते हैं. मर्टन एंड एफजीडी, मर्टन का नाम लिया जाता है एफजीडी में, तो मर्टन का क्या रोल है एफजीडी के आप कह सकते हैं उद्भव में. व्हेन रॉबर्ट मर्टन डाइड इन 2003, जब इनकी मृत्यु हो गई 2003 में, हिज ऑबिट्यूरी इन द न्यूयॉर्क टाइम्स हेडलाइन हिम एज द फादर ऑफ द फोकस ग्रुप. तब इनको फादर ऑफ द फोकस ग्रुप की संज्ञा दी गई. अकॉर्डिंग टू रोजर्स 2004 इंटरव्यू विद मर्टन, ही एंड लेजर स्पेल्ड डेवलप द बेसिक फॉर्मेट फॉर फोकस ग्रुप ऑन नवंबर 23, 1941. मतलब ये काम कर रहे थे तब इनको नहीं समान मिला इसके लिए. इनकी मृत्यु के बाद मरणोपरांत इनको फादर ऑफ द फोकस ग्रुप कहा गया. इन द फॉलोइंग इयर्स मर्टन एंड लेजर्स फेल्ड एम्प्लॉय फोकस ग्रुप्स टू डेवलप अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू बेनिफिट द वॉर एफर्ट्स. आफ्टर द वॉर मर्टन एंड कैंडल डिस्क्राइब दिस अप्रोच टू इंटरव्यूइंग एंड From the years, the two of them, along with Majori Fiske, published several mimeographed version of the book. They became the focused interview. तो आप कह सकते हैं मतलब इन्होंने लेजर्सफेल्ड के संग मिलके, केंडाल के संग मिलके इसमें खूब काम किया, और इन्होंने जो बुक निकाली थी उसका फोकस्ड इंटरव्यू नाम रखा था. नाम फोकस ग्रुप आपने पीछे देखा, उन्होंने दिया एडिक्टर ने. ओके हिस्टोरिकली फोकस ग्रुप्स हैव फंक्शन एज द प्राइमरी क्वालिटेटिव मेथड इन मार्केटिंग रिसर्च. मतलब मार्केटिंग रिसर्च पर ये मेनली यूज हुआ है. अब आप इसको एजुकेशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी में यूज कर लेते हैं मार्केटिंग रिसर्च. क्यों? क्योंकि हम कोई प्रोग्राम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं मार्केट में, तो आप बातचीत करके देख लीजिए कि उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों की क्या राय है ना. इसका मेन, इसका उद्भव वहां से हुआ था.
देन टाइप्स, बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं. सिंगल फोकस ग्रुप हो सकता है. द की फीचर ऑफ ए सिंगल फोकस ग्रुप इज इंटरएक्टिव डिस्कशन ऑफ ए टॉपिक बाय ए कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड अ टीम ऑफ फैसिलिटेटर्स एज वन ग्रुप इन वन प्लेस. मतलब एक ग्रुप होगा, एक जगह बैठ के कई बार हो सकता है और वो बातचीत करेगा. मोस्ट कॉमन और क्लासिकल टाइप का है. टू वे फोकस ग्रुप, दिस फॉर्मेट इन्वॉल्व्स यूजिंग टूल्स वेयर वन ग्रुप एक्टिवली डिस्कसेस द टॉपिक वेयर द अदर ऑब्जर्व्स द फर्स्ट ग्रुप. इसमें क्या होता है कि दो ग्रुप हम बनाते हैं और एक ग्रुप जो होता है वो डिस्कशन करता है, दूसरा उसको ऑब्जर्व करता है, फिर उसका रिफ्लेक्शन बताता है कि क्या कैसे रहा. देन डुअल मॉडरेटर फोकस ग्रुप, यानी कि आप दो मॉडरेटर के संग काम करेंगे, वर्किंग टुगेदर ईच परफॉर्मिंग डिफरेंट रोल विद इन द सेम फोकस ग्रुप. यहाँ पे मॉडरेटर दो होगा. डुएलिंग मॉडरेटर फोकस ग्रुप में क्या होगा, दिस इन्वॉल्व्स टू मॉडरेटर्स हु पर्पसफुली टेक ऑपोजिट साइड्स ऑन एन इश्यू टॉपिक अंडर डिस्कशन. मतलब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम एक तरीके से डिबेट कराएंगे कि दो मॉडरेटर हो जाएंगे, एक पक्ष को लेकर बैठेगा, एक दूसरे पक्ष को लेकर बैठेगा और फिर उसको देखेंगे किस तरह से उस मुद्दे पर बातचीत हो रही है. Respondent moderator focus group. In this type of focus group discussion, researchers recruit some of the participants to take up a temporary role of moderator. इसमें क्या किया जाएगा कि थोड़े समय के लिए हम participant को ही moderator बना देंगे, तब देखेंगे किस तरीके के responses आ रहे हैं, किस तरीके का interaction चल रहा है. रिसर्च डिजाइन, अगर हम फोकस ग्रुप डिस्कशन को अपना क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमको किस तरीके की रिसर्च डिजाइन बनानी पड़ेगी अपनी रिसर्च के लिए. सबसे पहले एज यूजुअल हमको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी. हमको अपनी स्टडी के ऑब्जेक्टिव उद्देश्य निर्धारित करने पड़ेंगे. फिर डिफाइन द पर्पज ऑफ द फोकस ग्रुप, यानी कि वो पर्पज फोकस ग्रुप किस उद्देश्य से बनाया गया है वो बताइए. डेवलप अ लिस्ट ऑफ की क्वेश्चन, हमको शेड्यूल पहले से बना के रखना होगा. वो बात दूसरी है, जब हम फ्री में जाएंगे तो उसमें फेवरेबल संभव है. सीक इथिक्स क्लियरेंस, चूंकि आप बात करने जा रहे हैं आप उसको रिकॉर्ड करते हैं इन जनरल, क्योंकि सारा चीज आप नोट नहीं कर सकते, तो आपको इथिकल क्लियरेंस उनसे लेना पड़ेगा कि आप उनका नाम नहीं आएगा कहीं लेकिन ये बातें पब्लिश होंगी, क्योंकि रिसर्च कर रहे हैं ना, इसकी फाइंडिंग्स तो आपको सबके सामने रखनी पड़ेगी. फिर आइडेंटिफाई एंड रिक्रूट पार्टिसिपेंट्स, फिर हम चुनेंगे कि कौन से पार्टिसिपेंट है जो हमारे एफजीडी का हिस्सा बनेंगे, उनको हम रिक्रूट करेंगे. फिर हम क्या ध्यान देंगे, एंश्योर होमोजीनियस कॉम्पिटिशन, हमको देखना पड़ेगा जेंडर वाइज, अगर हम मेल फीमेल जेंडर को बिठा कर एक टॉपिक पर बात करेंगे तो वो चीजें निकल कर नहीं आएंगी. एजुकेशन, लैंग्वेज एक्सेट्रा, अगर लैंग्वेज किसी को हिंदी भाषी, कोई अंग्रेजी भाषी, तमिल भाषी, तो कैसे आप बात कराएंगे आपस में. डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, आइडेंटिफाई एंड रिक्रूट ए फैसिलिटेटर एंड एन असिस्टेंट. आपको एक असिस्टेंट फैसिलिटेटर या मॉडरेटर की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि सब कुछ आप बातचीत भी करना है, आपको इंटरेक्शन भी देखना है, आपको ध्यान भी देना है कि एवरीबडी पार्टिसिपेट करे, आपको नोट डाउन भी करना है, जेस्चर भी देखना है, कितना काम है, तो इसलिए आपको एक असिस्टेंट भी चाहिए. डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ फोकस ग्रुप्स, हमको एक दिमाग में पूर्वानुमान होना चाहिए कि इतने हम एफजीडी करेंगे तो हमारा ये टॉपिक कवर हो जाना चाहिए. आइडेंटिफाई अ सूटेबल लोकेशन, कि वो सारे मेंबर्स के लिए एट ईज हो, वो इजीली पहुंच सकें, वहाँ वो एट ईज फील करें, नॉर्मल फील करें, तो ये भी आपको सुनिश्चित करना होगा. सेलेक्ट एन एक्सेसिबल रीजनेबली साइज्ड वेन्यू अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, जिसमें आप डिस्ट्रैक्शन ना हो. रेल की पटरी रेलवे स्टेशन के बगल में ले तो बार बार रेल की आवाज आएगी, ट्रेन की आवाज आएगी, तो डिस्ट्रैक्ट है, इस तरीके का कुछ एयरपोर्ट के करीब ऐसा कुछ है ना. फिर अरेंज मटेरियल्स, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, कंसेंट फॉर्म्स, नेम टैग्स एक्सेट्रा, ये सब भी आपको अरेंज करना पड़ेगा. देन डेटा कलेक्शन में क्या होगा कि प्री सेशन प्रिपरेशन, पहले हमको पहले सेशन के पहले क्या तैयारी करनी पड़ेगी कि फेमिलियराइज विद द स्क्रिप्ट, ग्रुप डायनेमिक्स, सीटिंग प्रेफरेंसेस, कौन कहाँ बैठेगा, इक्विपमेंट कैसे लगाए जाएंगे, रिकॉर्डिंग कहाँ कैसे करनी है. फिर फैसिलिटेशन ड्यूरिंग द मीटिंग, कैसे हम मीटिंग के दौरान सुविधा प्रदान करेंगे किसको, पार्टिसिपेंट्स को. तो इंट्रोड्यूस रैंडमाइज सेल्फ इंट्रो, सेल्फ टेस्ट चला गया, सेल्फ इंट्रोडक्शन, कंसेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ग्राउंड रूल्स, ये सब हम सेट करेंगे. डिस्कस, यानी कि रिकॉर्ड एंड ऑब्जर्व द डिस्कशन, डिस्कशन को ऑब्जर्व भी करना है, रिकॉर्ड करना है. देखिए रिकॉर्डिंग में अगर आप सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप जेस्चर वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा. तुरंत बहुत खास चीजें नोट डाउन करनी पड़ेंगी, कहाँ कब कौन रुका, कब किसका जेस्चर चेंज हुआ, भाव भंगिमा चेंज हुई, कब जो बोल रहा है आपका पार्टिसिपेंट और जो उसके मुख पर लिखा है, दोनों में अंतर है, डिस्क्रिपेंसी है, ये सब आपको ध्यान देना होगा. नॉन वर्बल क्यूज, ट्रैक क्वेश्चंस फॉर कंप्लीशन एंड फॉलो अप ऑन द थीम्स ऑफ डिस्कशन एंड कंक्लूड. जब आप कंक्लूड करेंगे तो आप अपने पार्टिसिपेंट्स को एक्नॉलेज करेंगे, यू आर यूनिक, वजह से आपकी रिसर्च कम्प्लीट होने जा रही है. ओके, तब आप एनालिसिस करेंगे. एनालिसिस में क्या क्या करेंगे, लिस्टिंग, रैंकिंग, कोडिंग हम लोगों ने पढ़ लिया है, आपका कंटेंट एनालिसिस भी पढ़ लिया है, तो हम कोडिंग जानते हैं, कंटेंट एनालिसिस, डिस्कोर्स एनालिसिस, कन्वर्सेशन एनालिसिस. फिर रिजल्ट और रिपोर्टिंग में क्या करेंगे, डिसाइड ऑन द टारगेट ऑडियंस, एकेडमिक्स को हम डिसाइड करते हुए लिखेंगे, टारगेट ऑडियंस को डिसाइड करते हुए हम अपनी रिपोर्टिंग करेंगे, पॉलिसी मेकर्स उससे क्या
क्लू ले सकते हैं अपनी पॉलिसी बनाने के लिए और पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस स्टडी के लिए क्या निकल गया है, तब जाके आपका पूरा कंप्लीट होगा रिसर्च। फिर व्हेन फोकस ग्रुप्स आर यूज्ड, कब यूज करें ये कैसे तय किया जाए। फोकस ग्रुप्स आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कलेक्टिव व्यूज, जब हमें सामूहिक व्यू चाहिए होता है, एंड द मीनिंग्स दैट लाई बिहाइंड दोज व्यूज, और उन व्यूज के पीछे कौन से अर्थ हैं। दे आर ऑल्सो यूजफुल इन जनरेटिंग अ रिच अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंसेस एंड बिलीव्स। अगर पार्टिसिपेंट्स का कोई स्पेशल एक्सपीरियंस है, बिलीफ है, तो उसके पीछे क्या अंडरस्टैंडिंग है ये जानना चाहते हैं, तो अभी भी यूज कीजिए। सजेस्टेड क्राइटेरिया फॉर यूजिंग फोकस ग्रुप्स इंक्लूड, कौन से क्राइटेरिया आप कहेंगे कि आप तब फोकस ग्रुप यूज कर सकते हैं। जैसे एज अ स्टैंड अलोन मेथड के रूप में भी यूज हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ आप एफजीडी ही कर रहे हैं, या मल्टी मेथड डिजाइन में यूज कर लीजिए, मतलब कुछ और के संग, किसी क्वांटिटेटिव के संग यूज कर लीजिए आप ये क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी, या टू क्लेरिफाई एक्सटेंड क्वालिटी और चैलेंज डेटा कलेक्टेड थ्रू अदर मेथड्स। अगर अदर मेथड से जैसे आप ट्रायंगुलेशन करते हैं ना कि आपको ट्रायंगुलेट करना पड़ता है, तो आप किसी और मेथड से कलेक्ट करके लाइए और फिर उसको एफजीडी से कैरी कर लीजिए। टू फीडबैक रिजल्ट्स टू रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, या फीडबैक देने के लिए भी। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे हम डिफाइन करें कि ये जो है विशेष गुण है एफजीडी का पार्टिसिपेंट। पहली बात, केयरफुली रिक्रूट होंगे, 5 से 10 ही रखेंगे, 6 से 8 आप प्रेफरेबल मान के चलिए, सिमिलर टाइप्स ऑफ पीपल होंगे और आपको ग्रुप बार बार मतलब रिपीटेड करना पड़ेगा, मतलब एक ग्रुप एक सेटिंग से काम नहीं चलने वाला है। इन्वायरमेंट कैसा होगा, कंफर्टेबल सर्कल सीटिंग, यानी सब एक दूसरे को देख सकें, तभी तो बातचीत समझ में आएगी। टेप रिकॉर्ड आपको करना होगा। मॉडरेटर का बहुत खास रोल है, स्किलफुल होना चाहिए वो ग्रुप डिस्कशन को है होल्ड करने में मैनेज करने में। यूजर्स प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आपको पहले से सोचने होंगे। एस्टैब्लिशर्स परमिसिव एनवायरनमेंट, उसको परमिसिव एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश करने आना चाहिए। और एनालिसिस और रिपोर्टिंग में क्या हो जाएगा, सिस्टमैटिक एनालिसिस, वेरीफाइबल प्रोसीजर्स, एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग। ओके, एडवांटेजेस क्या क्या है, क्या लाभ है, क्यों हम यूज करें एफजीडी, इतना आपको उसमें इतना सब काम धाम दिखाई दे रहा है। फोकस ग्रुप्स प्रोवाइड डेटा फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पीपल मच मोर क्विकली, बहुत जल्दी आपको डेटा मिल सकता है, लो कॉस्ट में मिल सकता है। फोकस ग्रुप अलाउ द रिसर्चर टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद रिस्पोंडेंट, हम यहाँ डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जबकि कंटेंट एनालिसिस में हमको रिस्पोंडेंट से बात करने का मौका नहीं मिलता है। फिर फॉलो अप क्वेश्चन, प्रोबिंग क्वेश्चन, रिस्पॉन्स सब करने का मौका आपको मिलेगा। ओपन रिस्पॉन्स फॉर्मेट ऑफ ए फोकस ग्रुप प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन अ लार्ज एंड रिच अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा निकल कर आएगा क्योंकि बातचीत कर रहे हैं इतने सारे लोग, सब कुछ आपको रिकॉर्ड करना है, सब कुछ आपको नोट डाउन करना है। ओके, फिर फोकस ग्रुप्स अलाउ रेस्पॉन्डेंट्स टू रिएक्ट टू एंड बिल्ड अपॉन द रिस्पॉन्सेज ऑफ अदर ग्रुप मेंबर्स, दूसरे मेंबर के रिस्पॉन्सेज से वो अपने रिस्पॉन्स को कैसे इनरिच कर रहे हैं, या अपनी बात को काट मतलब हटा ले रहे हैं, या अपनी बात पे एकदम अडिग हैं, ये सारी चीजें निकल कर आती हैं। ये फ्लेक्सिबल हैं और चिल्ड्रेन और उनसे भी आप पर्टिकुलरली इलिटरेट पीपल से भी आप डेटा ले सकते हैं। इट इज कंपेरेटिवली ईजियर, इट अलाउज फॉर एक्सप्लोरिंग टॉपिक्स एंड जनरेटिंग हाइपोथेसिस, एंड इट जनरेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द ग्रुप इंटरेक्शन व्हिच कंसंट्रेट्स ऑन द टॉपिक ऑफ द रिसर्चर्स इंटरेस्ट। रिसर्चर के इंटरेस्ट के टॉपिक पर आप होमोजेनिटी के साथ लोगों को बिठा के डिस्कशन करवा के आपको मुद्दे समझ में आ जाएंगे। हाई फेस वैलिडिटी, क्यों, क्योंकि हमने देखा है बातचीत करते हुए, सुना है कि वो जो बोल रहे हैं वही उनके मन में भी है। इट गिव्स स्पीड इन द सप्लाई ऑफ द रिजल्ट, रिजल्ट जल्दी निकलते हैं। पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे स्मॉल मेंबर्स ऑफ रेस्पॉन्डेंट्स दैट पार्टिसिपेट इन सेवरल डिफरेंट फोकस ग्रुप्स, एंड द कन्वीनियंट नेचर ऑफ मोस्ट फोकस ग्रुप रिक्रूटिंग प्रैक्टिसेस सिग्निफिकेंटली लिमिट जनरलाइजेशन टू अ लार्ज पॉपुलेशन। तो ये तो हमेशा से ही क्वालिटेटिव की कमी रही है कि आप कैसे जनरलाइज करेंगे 4, 6, 8, 10 लोगों से बातचीत करके, तो फिर हम इसको कैसे काटेंगे, हम कहेंगे कि हमारा मुद्दा ही नहीं है, हमारा इश्यू ही नहीं है कि हम जनरलाइज करना चाहते हैं अपना रिजल्ट। ओके, द इंटरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्डेंट्स विद वन अनदर एंड विद देयर रिसर्चर हैज टू अनडिजायरेबल इफेक्ट्स, दो तरीके के अवांछनीय परिणाम हो सकते हैं जो लोग आपस में बात कर रहे हैं उनके इंटरेक्शन। क्या क्या, पहला कि रेस्पॉन्सेज फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, हम कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन हम देख रहे हैं सामने वाला बड़ी मतलब संजीदगी से, बहुत मजबूती से उसके अपोजिट कोई बात बोल रहा है, तो हो सकता है हम अपनी बात ना बोले, है ना, विच रिस्ट्रिक्ट्स। और दूसरा क्या हो सकता है कि रिजल्ट्स ऑब्टेन इन फोकस ग्रुप में भी बायस्ड बाय वेरी डोमिनेंट एंड ओपिनियनेटेड मेंबर, एक मेंबर है वही एकदम अपनी बात पे अडिग है, तो बाकी लोग हिचक सकते हैं अपनी बात के। फिर द मॉडरेटर में बायस द रिजल्ट्स, मॉडरेटर बायस कर सकता है कि
किस दिशा में जा रहा है इंटरेक्शन, वो सब कुछ मॉडरेटर के कंट्रोल में. इट इज नॉट बेस्ड ऑन नेचुरल एटमोसफेयर. मैंने पहले बताया था नेचुरल सेटिंग में एफजीडी नहीं चल रहा है, सब लोग कहीं कहीं अपनी नेचुरल सेटिंग से आके आर्टिफिशियल सेटिंग में बैठे हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेज है. लेस कंट्रोल ओवर द डेटा, मॉडरेटर का डेटा पे कंट्रोल कम है. डेटा एनालिसिस आर मोर डिफिकल्ट टू बी डन क्योंकि बहुत सारा डेटा निकल गया था. इट डिमांड्स इंटरव्यूअर्स केयरफुली ट्रेन. अगर अनट्रेन्ड अनस्किल्ड मॉडरेटर है उसे हैंडल नहीं होगी एफजीडी. इट टेक्स एफर्ट्स टू असेंबल द ग्रुप. ग्रुप को असेंबल करना बहुत उसमें एफर्ट लगता है. डेप्थ ऑफ एनालिसिस कैन बी ए कंसर्न एंड देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर एरर इन द डेटा एनालिसिस. ओके, तो ये इन जनरल क्वालिटेटिव रिसर्चेस की कमियां हैं. ओके, मुझे लगा शायद कोई एक और स्लाइड है. ओके, सो थैंक यू. आई हैव कम्प्लीटेड, मतलब अपने एंड से मैंने क्वालिटेटिव रिसर्च की सारी मेथोडोलॉजी, सारी अप्रोचेज आपके साथ डिस्कस कर ली हैं. सो थैंक यू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. एंजॉय माई टेलीग्राम ग्रुप टू. ओके, डन फ्रॉम माई साइड.